अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दे रखा है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे चार पार्ट दे रखे हैं और हमें क्या करना है, इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो पहले तो हम साइन लगा लेते हैं, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरह चलता है अल्टरनेट, प्लस माइनस इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में इस कॉलम को स्किप करेंगे, इस रो को स्किप करेंगे, तो ये आएगा 3 × तो ये कौन सी मैट्रिक्स बची, दिस 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 दिस, यानी जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो माइनस माइनस 5 × −1, यानी ऐसे आएगा 0 × 0 माइनस का −1 × −5, ठीक है। उसके बाद में चूंकि प्लस माइनस और ये माइनस का पहले से, तो ये माइनस माइनस प्लस 1, ये कॉलम ये रो स्किप करेंगे तो क्या बचेगा, 0 3 −1 0, तो 0 − 0 और दिस 3 × −1, ठीक है, प्लस माइनस का 2 है तो यहाँ पे −2 और दिस कॉलम दिस रो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 0 0। अच्छा डिटर्मिनेंट में ये हमेशा याद रखेंगे कि अगर एक रो या एक कॉलम अगर 0 है, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 ही आएगा कहीं पे भी। अगर बीच वाली जो है रो हमारी 0 0 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 ही आएगा, कॉलम अगर बीच वाला 0 0 0 है तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा कहीं पे भी। और अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हो, जैसे यहाँ पे भी 1 1 1 हो, यहाँ पे भी 1 1 1 हो, तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होता है। तो यहाँ पे जब हमने इसको और इसको स्किप किया तो यहाँ पे ये 2x2 का डिटर्मिनेंट बचा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीरो यानी एक रो जीरो हो गई, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा, तो पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस का 5 5 3 = 15 माइनस का 15, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 3 1 = 3, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। सबट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 3 जाएगा, 12 बचेगा और वो भी माइनस का। तो पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या आया, −12। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं, सिमिलरली यहाँ पे ये 3 होगा, ठीक है, और इसको स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे तो 1 × 1 −3 × −2 3 × −2, फिर माइनस का 1, ठीक है, तो ये 2 × 2 = 4, इसमें थोड़ा सा इधर देखें, ये है 3, इसको हमने स्किप किया था। अब यहाँ पे ये है −4, तो ये आएगा −4, ये वाली कॉलम ये वाली रो, तो ये क्या आएगा, 1 2 −2 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, माइनस का −2 × 2, ठीक है, फिर प्लस का ये वाला कॉलम ये वाली रो यानी 5, तो ये क्या बचेगा, ये वाली मैट्रिक्स बचेगी 1 1 2 3, 3 1 = 3 −2 1 = 2। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1 आएगा, 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 2 = 6, 6 + 1 = 7, 7 3 = 21, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5 4 = 20 माइनस का 20, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, तो प्लस का 5, ठीक है, ये क्या आएगा, 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को 5 में ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक हमने गड़बड़ की है, देखो ये साइन हमारा कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो साइन का भी ख्याल रखेंगे नहीं तो आंसर हमारा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आएगा और जबकि माइनस पहले से लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 आएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे माइनस नहीं होगा बल्कि एडिशन हो जाएगा, तो जब एडिशन करेंगे तो 21 में 20 ऐड करेंगे, 41, 41 में 5 ऐड करेंगे, 46, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 46, ये आएगा हमारा आंसर। अब हम सी वाली मैट्रिक्स को देख लेते हैं, 0 1 2, तो पहले तो इसको स्किप करेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब ये पहला वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा,
माइनस प्लस, फिर उसके बाद में ये माइनस का वन, इसको स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे तो कौन सा डिटरमिनेंट बचेगा? देखो अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना चाहें, माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद में ये प्लस का टू, फिर कौन सा डिटरमिनेंट बचेगा? इसको स्किप कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे तो ये बचेगा माइनस वन ज़ीरो माइनस टू थ्री। अब यहाँ पे माइनस वन ऐसे ही रख लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो माइनस दिस, तो ये माइनस का सिक्स आ जाएगा, प्लस टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का थ्री, और इसको इसके साथ तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। और इसको सिंपलीफाई कर लेते तो ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस सिक्स, और यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स, माइनस का सिक्स, तो ये आ गया ज़ीरो, तो ये आंसर आ गया इसका ज़ीरो। अब आते हैं लास्ट वाले पे, ये हो गया हमारा ज़ीरो डी वाला, तो ये क्या दे रखा है, टू माइनस वन माइनस टू ज़ीरो, टू माइनस वन थ्री, माइनस फोर माइनस फाइव ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस प्लस, तो टू रखेंगे, फिर इस कॉलम को, इस रो को स्किप करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, टू माइनस वन माइनस फाइव ज़ीरो। उसके बाद में माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन, ये कॉलम ये रो स्किप करेंगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो माइनस वन थ्री ज़ीरो। उसके बाद में ये प्लस का यानी माइनस का टू रखेंगे तो ये डिटरमिनेंट आ जाएगा हमारा, इसको स्किप करेंगे, इसको ज़ीरो टू थ्री माइनस फाइव, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस टू को ऐसे लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का फाइव, माइनस का वन, माइनस माइनस प्लस, प्लस का फाइव, और माइनस हमारा फार्मूले वाला, तो ये माइनस फाइव आएगा, प्लस वन, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, और यहाँ पे माइनस तो फार्मूले वाला, फिर ये थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का थ्री, माइनस टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, माइनस सिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टू फाइव ज़ा टेन, यानी माइनस का टेन आएगा, ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस का थ्री आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से टेन गया, टू बचेगा, टू में थ्री ऐड करेंगे फाइव बचेगा, तो इसका आंसर आ गया फाइव। तो थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स जो है, अगर हो उसका डिटरमिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले साइन लगा लेते हैं, उसके बाद में ये छोटे छोटे डिटरमिनेंट लिख लेते हैं, यानी कि माइनर डिटरमिनेंट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।